वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नई नोटिस की बात करेंगे, मोस्ट अवेटेड वीडियो रहेगी आप सबके लिए। जिन बच्चों ने आईआईटी रोपड़ के लिए अप्लाई किया है, डिफरेंट पोजीशंस थी उसमें, जिसमें से मेनली जो हम बात करेंगे वो जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट आपकी एक अकाउंट्स की पोस्ट थी और मेन जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर सुपरिटेंडेंट। इन पोस्टों के लिए, इसके अलावा और भी पोस्ट हैं, लेकिन बेसिकली हमारे पास कैंडिडेट हैं जो इन पोस्टों के हैं। तो नया नोटिस है, आज की डेट में आया है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें जो बेसिकली होगा वो आपका ऑफिशियली सिलेबस डिस्क्लोज हुआ है। और ये सिलेबस जो हमने वीडियो डाली सिलेबस की, पहले जब तक बच्चों को आइडिया नहीं था कि आईआईटी रोपड़ का सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस हमारी वीडियो चेक करना, जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से आपको बताया गया कि चीजें क्या क्या आती हैं, वैसा ही आपको इस सिलेबस में देखने को मिलेगा। मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो आपको इंफॉर्मेशन इससे पहले दी गई, ऑफिशियल सिलेबस से पहले, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी अगर आपने उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। तो नए नोटिस की बात करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको समझाएंगे, बहुत छोटी वीडियो होगी ये। सिलेबस है जो बड़ा सा सॉर्टेड सिलेबस है, कोई समझने में ऐसी दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं आने वाली। तो सिलेबस की बात करेंगे बच्चों, ये देखो आपका ऑफिशियल नोटिस है, ये आज की ही डेट है 23 की। तो इसमें बात की गई है अपलोडिंग ऑफ सिलेबस फॉर वेरियस नॉन टीचिंग स्टाफ पोजिशंस एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर हमने आपके साथ डिस्कस किया था, तो जिस किसी बच्चे ने किया है तो यहां पे ये लिंक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाके ये चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप, उस लिंक पर क्लिक करोगे और आपके सामने सिलेबस के लिंक्स होंगे, ठीक है। सेपरेट कोई मेल नहीं भेजी जाएगी किसी को सिलेबस के रिगार्डिंग, ये इंटीमेट नोटिस के थ्रू किया गया। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सिलेबस देखो और अपनी प्रिपरेशन करो। इंस्टीट्यूट अपडेट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन तो वो अपनी साइट पे करता है, और अलग से कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो रेगुलरली आपने क्या करना है, अपना चेक करते रहना है। क्या क्या चेक करते रहना है आपने, कोई न्यू अपडेट्स है तो इंस्टीट्यूट आपको इंटीमेट कर सकता है रिटर्न टेस्ट के बारे में, ये बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो अपनी ईमेल आईडी जो है, जो भी आपने अपनी ईमेल इनको दी है ना, जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसको आप अप टू डेट रहा करो, बीच बीच में चेक करते रहा करो, ठीक है। एक दिन में एक बार आप चेक कर सकते हो अपनी ईमेल। चलो सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले जो पोस्ट आ जाएगी बच्चों सिलेबस में, वो आएगी आपकी जूनियर सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहां पे जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने उस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर सिविल, हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, ये सारी 12 की 12 पोस्टें आपके सामने होंगी। जिसने जो फॉर्म फिल किया है ऑफिशियली ये चेक कर सकता है। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, सुपरिटेंडेंट की और जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की। तो देखो जूनियर सुपरिटेंडेंट का सिलेबस क्या है, सर्विस के जो रूल्स होते हैं ना वो आपने पढ़ने हैं FRSR के साथ में, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स, CCS CCA रूल्स, यानी जो कंडक्ट रूल बोलते हैं बच्चों जिनको, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक। नेक्स्ट लीगल मैटर्स के बारे में पढ़ोगे आप, फॉरेन सर्विस के बारे में पढ़ोगे और डेपुटेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। डिसिप्लिनरी एंड विजिलेंस रूल्स के बारे में पढ़ोगे, लियन के बारे में पढ़ोगे और लीव रूल्स के बारे में पढ़ोगे। डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी DPC, पे फिक्सेशन, सीनियोरिटी, ये अलग टॉपिक है, इसकी बात करेंगे। LTC का पढ़ोगे तो LTC के रूल्स हैं, ऑफिस प्रोसीजर्स हैं आपके, ये देखो पुराने भी हैं ऑफिस प्रोसीजर्स, नए 2022 वाले हैं। तो ये PDF हमारे नेटर का जो सब सेक्शन ऑफिसर का चैनल है उस पर भी अवेलेबल है, और जो हमने पहले ASO के लिए बनाया था टेलीग्राम पर प्लस मेंबर्स के लिए, उस पर भी अवेलेबल है। TADA के रूल्स के बारे में, पे एंड अलाउंस के बारे में पढ़ना है, NPS के बारे में पढ़ना है, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। RTI का एक्ट 2005 में जो आया था वो आपने सिलेबस में है। अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, अगर कोई मेरे से पूछे तो वैसे GFR होता है, बट GFR अलग से गिवन है,
तो अकाउंटिंग के रूल्स एंड प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, मेडिकल अटेंडेंस के रूल्स के बारे में पढ़ना है, गुड्स को अगर प्रिक्योर करना है तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रिक्योरमेंट का क्या है, सेंट्रल जो पब्लिक प्रिक्योरमेंट पोर्टल है जैम है, इनके बारे में, टेंडरिंग के बारे में, प्रिक्योरिंग के बारे में ये आपको देखना है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रिक्योरमेंट मैनुअल्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आपका सिलेबस में है। पेंशन के साथ साथ फैमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट। तो देखो इतनी सारी चीजें क्या बताती हैं, बताती हैं कि पेपर है ना जो आपका पेपर, वो मोस्टली हमने आपको वीडियो में भी बताया पहले जो हमने सिलेबस की बताई, मोस्टली आपका सीसीएस और जो सर्विस कंडीशंस ये रूल्स हैं इस पे बेस्ड होगा। बाकी ऐसा नहीं है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, जर्नल इंग्लिश, ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसका रेशियो कितना रहता है, अगर इन ड्यू कोर्स कोई नोटिस आता है जूनियर सुपरिटेंडेंट आईआईटी रोपड़ से तो आपके साथ शेयर हम जरूर करेंगे। तब तक आप ये मान के चलो हमारी पुराने वाली वीडियो देखना, आपको एक आइडिया लगेगा कि लगभग कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो बात हुई है वो आपने पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है, श्योर सॉर्टेड सिलेबस है, आपके सामने है सारा का सारा। ठीक है, बाकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, अच्छे से आप अपने पास पीडीएफ रखिए, जो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंट है उनको ये सिलेबस वहां पे मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। तो बच्चों जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे अब हम लोग। तो जूनियर असिस्टेंट में देखो मैथ्स है और आपका इंग्लिश है, तो मैथ्स में क्या है, नंबर सिस्टम, ये हम अभी हाईकोर्ट के लिए बच्चों को करा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ, ये दो क्लासेस हमारी आ चुकी हैं, मोस्टली जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हम बच्चों को करवा चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात है, डेसिमल की बात है, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ और जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये आपका, सॉरी ये जनरल इंग्लिश यहां पे नहीं लिखना था, ये इन्होंने जो है एरर हो गया है टाइपिंग, ठीक है इसको कट कर लेना क्योंकि ये यहां पे आना था। मैथ का सिलेबस हो गया। इंग्लिश में देखो इंग्लिश लैंग्वेज को समझना, वोकैब, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, यही तो होता है, पैसेज होती है, शॉर्ट पैसेज, ग्रामर में टेंस आते हैं, एक्टिव पैसेज आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती हैं, पंक्चुएशन आती हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आते हैं, मतलब बेसिक आप देखोगे एसएससी का ही सिलेबस होता है। तो मैं तो यही कहूंगा एसएससी का 10th लेवल या 12th लेवल आप कुछ भी पढ़ लो सफिशियंट रहता है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैथ्स का है, ये 10th लेवल मैथ है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का आ जाएगा, तो वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉजीज, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, सब अर्थमेटिक नंबर्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, फिगर, मतलब बेसिक जो रीजनिंग आपकी एसएससी की है वही होती है बच्चों, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होंगे, बेसिक एप्लीकेशंस होंगे, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्किंग। इसके लिए क्या करना है, जितनी भी हमारी कंप्यूटर की क्लासेज अवेलेबल है ना, चाहे हमने वो बच्चों को एएसओ के लिए पढ़ाया हो, कुछ नहीं करना, आपने सिलेबस देखना है और अपना ये चीजें रिवाइज करनी है। ठीक है, तो बड़ी हेल्प मिलेगी आने वाले टाइम में, हम इसके लिए अलग से आईआईटी रोपड़ के लिए अलग से भी क्लासेज लेके आएंगे। ठीक है, बट ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। अब आ जाता है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स। तो बच्चों ये सिलेबस पढ़ के देखो एक बार, थोड़ा सा टाइम लगाओ, आपको देख के पता लगेगा कि ये तो वही सिलेबस है जो जूनियर असिस्टेंट का है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल वही सिलेबस है, रीजनिंग भी वही है, कंप्यूटर भी वही है। तो हम यहां पे अब लिख देंगे कि जूनियर असिस्टेंट जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। बच्चों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, ठीक है, सेम पेपर होगा इन दोनों पोस्टों का, एक ही पेपर होगा, ये भी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप प्लेलिस्ट चेक करना रोपड़ वाली, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अलग से कुछ नहीं पढ़ना, अगर दोनों पोस्टों के लिए भरा है तो भी आपका सिलेबस सेम है, एक के लिए भरा है तो आप देख ही चुके हो। इससे पहले एक चीज की और बात कर लेते हैं, आपके प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन का सर कैसे करना है। तो देखो अब सिलेबस आया है तो होपफुली आपके एग्जाम की डेट भी आने वाली है कुछ टाइम के बाद, तो टाइम आपके पास ज्यादा नहीं रह गया है, तो आपने क्या करना है, फ्री वीडियोस अवेलेबल है हमारी, वो ज्वाइन करनी है, पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, रीजनिंग की भी इन फ्यूचर क्लासेस लेके आएंगे हम, कंप्यूटर अवेयरनेस की जो क्लास पहले अवेलेबल है आप वो पढ़ो, चाहे वो जिस मर्जी पोस्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, बाकी आईआईटी रोपड़ के लिए जरूरत पड़ी तो अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर असिस्टेंट और आपका
जूनियर सुपरिटेंडेंट, तीनों को मिला के एक टेलीग्राम ग्रुप अवेलेबल होगा, बट वो आपकी कंसेंट पे डिपेंड करेगा। तो आपने यूट्यूब में कमेंट करके बताना है, उस पर फिर हम काम करेंगे। ठीक है, सुपरिटेंडेंट वाले बच्चों के लिए एक मैसेज है कि जो भी जूनियर सुपरिटेंडेंट के बच्चे हैं, आप देखो होपफुली ये 543 के आसपास या 532 हमने कुछ बताए थे आपको टोटल इतने एप्लीकेशंस थे, इसमें से जब से इन्होंने बोला है ना कि लेवल 4 वाले ही एलिजिबल होंगे, तो मेरा मानना ये है 100 से 150 बच्चे रह जाएंगे बस लास्ट, कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 100 बच्चे रह जाएंगे। तो जो 100 बच्चे रह जाएंगे उनको मैं सलाह देता हूँ, आप क्या करो, हमारा जो निटर सेक्शन ऑफिसर का टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। टेलीग्राम चैनल पर जाओ और आपको अलग से गूगल फॉर्म अवेलेबल करा देंगे, आप उस पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज इन फ्यूचर जो भी कुछ आपके नोट्स होंगे, एमसीक्यू क्लासेस, यूट्यूब की जो आप सामने क्लास देख रहे हो हमारे, जो भी हमने पढ़ाई है उसकी पीडीएफ्स आपको उसी ग्रुप पे अवेलेबल होंगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। फिर भी कोई दिमाग में क्वेरी रह जाती है तो ये ईमेल आईडी हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे। तो साथियों मिलेंगे, प्रिपरेशन करते रहो, थैंक यू, सी यू सून।